नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद निषाद सांसद राज्यसभा आपके बीच आया हूं और मैं इसलिए आया हूं कि कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। सबसे पहले पूर्व संध्या पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर मैं आपको बधाई देता हूं और आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि संविधान न होता तो दलित पिछड़ा और जो देश का गरीब गुरबा आदमी है उसको कोई अधिकार मिलने वाले नहीं थे। जो भी मिला है संविधान की वजह से मिला है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि कल शाम को अपने अपने दरवाजे हम लोग बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर दीप जलाएंगे और पूरी तरह से कोरोना जो वायरस है इस लॉकडाउन के समय हम पूरी तरह से पालन करेंगे और सभी साथियों से अपील करेंगे कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें और देखें कि पास में पड़ोस में कोई भूखा न सोने पाए, उसको भी एक रोटी मिल जाए, उसका भी पेट भर जाए और हम लोग इस महामारी की बीमारी से स्वयं बचें और दूसरे को बचाने का काम करें। यही हमारी आपसे विनती है। मैं तो इस समय बांदा में हूँ, चूँकि 20 तारीख को राज्यसभा चल रही थी, मैं बांदा आ गया था, तो लॉकडाउन में मैं यहीं बांदा पे हूँ और यहाँ पर रह करके जो भी लोग महानगरों से पैदल आ रहे थे उनकी लगातार हम लोग सेवा करने का काम किया, उनको खाना पानी देने का काम किया और जो लोग सड़कों किनारे हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो घुमंतू जातियां हैं, लोगर पछैयाँ, उनको उनके डेरों में जाकर उनके घरों में जाकर के खाना देने का काम किया और जो हमारे मजदूर भाई दिल्ली गाज़ियाबाद बाहर से आ रहे थे, अपने घरों जा रहे थे, प्रशासन ने उनको पकड़ करके जो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में बंद कर दिया था, उनके यहाँ उनको भोजन देने का काम किया, कच्चा भोजन देने का काम किया और सभी को मास्क बांटने का काम किया। सब लोग मास्क पहने और दूरी बना के रहें, यही हमारी अपील है। और कल ये ना भूलें कि अपने दरवाजे जो है एक दीप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जलाएं, यही मेरी आपसे अपेक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है बाबा साहब की जन्मतिथि पर जयंती पर आप लोग दीप जला करके खुशियां मनाएंगे और संविधान की रक्षा करेंगे कि संविधान हमारा बचा रहे, संविधान की वजह से हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई।